हिमाचल प्रदेश सरकार के वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से ऐलान किया है कि प्रदेश को प्रगति एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए और विशेष प्रयास किए जाएंगे और बिना किसी भेदभाव के सभी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने खेल विभाग में रिक्त चल रहे विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला खेल अधिकारियों के पदों को भी भरा जाएगा ताकि खेल विभाग की गतिविधियों के संचालन में दिक्कत पेश ना आए। उन्होंने बताया कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की प्रदेश में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे न केवल खिलाड़ियों को एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी बल्कि इससे स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश के वन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की माने तो मनाली स्थित संस्थान के निदेशक से एक विषय पर लंबी चर्चा हुई है और वे जल्द ही एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार करेंगे। इसी के हिसाब से आगामी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिवर राफ्टिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के चुनिंदा स्थानों पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जहां खिलाड़ियों को इन खेलों की बारीकियां सिखाई जाएंगी और खेलों में परफेक्ट बनाया जाएगा ताकि वे आगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले राज्य स्तरीय 20वां कारगिल विजय दिवस बिलासपुर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर युद्ध स्मारक पहुंचे जहां प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने उनका स्वागत किया। मंत्री गोविंद ठाकुर ने कारगिल में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए प्रदेश के 52 सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा, जबकि पुलिस के जवानों ने शहीदों के सम्मान में शस्त्रों को उल्टा करके सलामी दी। तत्पश्चात भाषा संस्कृति विभाग के भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सूबेदार प्रकाश चंद मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को बैच टोपी शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल युद्ध 14 मई 1999 को तब शुरू हुआ जब 4 रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ काले के साथ गश्ती दल बजरंग पोस्ट की और दुश्मन की उपस्थिति की जानकारी के लिए रवाना हुए, लेकिन दूसरे ही दिन गश्ती दल से संपर्क टूट गया और 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कैप्टन सौरभ कालिया का क्षत विक्षत स्थिति में सब सौंपा। उन्होंने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा की ये दिल मांग मोड़ की ध्वनि मस्को घाटी में शंखनाद करते हुए दुश्मन पर भारी पड़ी। उन्होंने बताया कि कई चोटियों पर कब्जा करने के बाद 0.4875 कब्जा करते समय दुश्मन ने विक्रम बत्रा पर चारों तरफ से हमला कर दिया और विक्रम बत्रा ने देश पर अपने प्राण नौछावर कर दिए। इसी दौरान मस्को घाटी की 17,000 फीट ऊंची लेट टॉप पोस्ट पर राइफलमैन संजय कुमार ने कब्जा करते हुए दुश्मन पर फायरिंग की। दूसरी तरफ हुई फायरिंग से संजय कुमार की टांग पर 5-6 गोलियां लगी। इसके बावजूद संजय कुमार अदे साहस का परिचय देते हुए दुश्मन पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार से हमला किया तथा लेट पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस बहादुरी के लिए संजय कुमार को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। इस युद्ध के दौरान युद्ध पदकों में 2 परमवीर चक्र, 4 वीर चक्र, 5 सेना मेडल से सम्मानित किया। इस अवसर पर वीरों तथा वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया जिनमें मीरा देवी, रत्नी देवी, सरस्वती देवी, कलावती, शीला देवी, संकुतला देवी, निर्मला देवी, रक्षा देवी, कौशल्या देवी, प्रमिला देवी, सुरेश कुमारी, कैप्टन योगेंद्र पल, कर्नल पीएस अत्री, सुरेश नड्डा आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सैनिक और समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर मंडी में 10 से 12 अगस्त तक महामंथन होगा। बल्लभ क्लस्टर यूनिवर्सिटी और बल्लभ कॉलेज के सहयोग से प्रदेश में पहली बार पश्चिमी हिमालय में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन में पढ़े जाने वाले रिसर्च स्कॉलरों के शोध पत्रों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे बाद में भारत सरकार और राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल को लेकर स्थायी नीति बनाई जा सके। आयोजन समिति के चेयरमैन एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा और संयोजक डॉक्टर संजीव ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सम्मेलन में 6 से 7 देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के विभिन्न महाविद्यालयों के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। आईआईटी मंडी के विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन का अहम हिस्सा बनेंगे। नेपाल, दुबई, कनाडा, सिंगापुर और थाईलैंड के प्रतिनिधियों का सम्मेलन में आना तय हो चुका है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी निमंत्रण भेजा गया है। संयोजक डॉक्टर संजीव ठाकुर ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में पश्चिमी हिमालय के जल, जंगल और जमीन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल और प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से दोहन नहीं हो रहा है, जिससे भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन के माध्यम से इन महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित समिति के डॉक्टर टी एस वर्मा, प्रोफेसर दीपक गौतम, डॉक्टर तारा सिंह ठाकुर मौजूद रहे।